अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज सुबह सुबह जो है ना, मैं जा रही हूँ अब्बू को लेने। और जो है ना, ये अब्बू की कल तबीयत ठीक नहीं है। अब्बू ने मुझे कहा है कि मैं हाईएस पे आ रहा हूँ, लेकिन मैंने अब्बू को कहा है नहीं, मैं अभी आ जाती हूँ आपको लेने, आपको नहीं आना है। तो अभी बस मैं निकलती हूँ और अब्बू वहाँ से रेडी बैठे हैं, जाते हैं उनको लेने। हाँ अब्बू बताएं, आप कैसे मुझे उठा के ले जाते थे? छोटी सी तो मट्टी ने ना बहुत खेलती है। आप सब बच्चों से आप बहुत देर से चली है। बाजी मैं जा रही हूँ, आप घर रहे हैं। ये सीमा हैदर को देखें। यार मैं वो दो दिन से सैड थी ना बहुत, मैंने व्लॉग छोड़ दिया तो सारी मेरी दोस्त परेशान हो गई हैं कि क्यों व्लॉग छोड़ दिया, क्या हो गया। जैसे तुम परेशान हो व्लॉगिंग छोड़ दी है, रो रही थी, चलो उदास थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ। चलो दिल बहल जाएगा कुछ देर के लिए, अब तुम मुझे छोड़ के दोस्तों के पास जा रही। अच्छा अभी तक जो है ना अब्बू को अपनी शादी की भी डेट याद है। अब्बू आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी और यहाँ पे जो है ना अभी काम शुरू हो चुका है रोड पर। यहाँ पे अब जो है ना आज लगता है कि इस पे आज लास्ट फिनिशिंग हो रही है, तो अच्छा है कि जल्दी ये बन जाए और जान छूटे हमारी भाई उधर से ज़्यादा बड़ा चक्कर खाने से। ये देखें इससे जो है ना बजरी डालते हैं और माशाल्लाह से अभी लगता है कि सड़क बस थोड़ी सी रह गई। तो चलें अब जो है ना हम लोग नवाकोट पहुँच चुके हैं और लगता है कि साथ में जो है ना बाजी ने भी जाना है, बाजी की भी तैयारी है साथ। गाड़ी जो है ना मैंने रोड पे ही खड़ी कर दी है क्योंकि मुझे पता चला है कि अभी तक अब्बू रेडी नहीं हुए। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपनी सब सिस्टर्स का जिन्होंने भी मैसेज किए हैं मुझे। तो आप सबके मैसेज आए हैं मेरे पास, इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता रिप्लाई करूँगी आपको। यहाँ सीट नीचे हुई पड़ी, अभी ऊपर करेंगे। यहाँ से अब्बू जो है ना दवाई लेने जा रहे हैं। तो अभी जो है ना अब्बू इस तरफ जा रहे हैं दवाई लेने, शायद उधर से डॉक्टर को दिखा दिया। अभी इस तरफ पता नहीं क्या है, मैं बहुत पहले आती थी जब हम छोटे थे। और ये देखे माशाल्लाह बहन भाई एक साथ जा रहे हैं, मुझे लगता है इस तरफ वार्ड है क्योंकि बच्चे भी जा रहे हैं चीज़ लेके ना। तो यहाँ पे हम बाजी को लेने फिर से आ रहे हैं। हाँ हाँ सही हाँ जी तो कैसे तो कैसे जेवर बनवाते है ना? नहीं मुझे अंग्रेज नहीं, रहते बाहर है। हाँ हाँ रहते बाहर है, अंग्रेज हो गए वो। नहीं उनके अब्बू ने पता नहीं, हाँ नहीं, बताते हैं। अच्छा ये बाहर आए थे बर्तानिया में। हाँ हाँ अच्छा थैंक यू। ये नोट है तो साइन थे ना सही। यहाँ क्या जो जेठा बूटा है ना, ये स्टेशन का नाम मीना बाद को जेठा बूटा पहला ले जा। जेठा बूटा क्या है ये लिखते भी नहीं मीना बाद अंग्रेज तो बोला आपने जेठा बूटा लिखा गया तो ऐ दवा उन्हें ये नवाब साहब दौरा सा नवाब दस मुबारा क्या हो ना इतना कायम है
अच्छा अभी तक जो है ना अबू को अपनी शादी की भी डेट याद है। अबू आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 1980 में, दूसरा महीना था, 16 तारीख थी, जुमा का दिन था। सर्च करना वही डेट आ जाएगी, जुमे का दिन था। क्या तारीख? 1980 और मेरी पैदाइश है 1986 की। और सब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी जो ना डेट ऑफ बर्थ साल से गवाह भी आ जाएगी। डेट में सही बताइए गलत। अच्छा ठीक है, हमारी जो YouTube फैमिली है ना बड़ी तेज है, वो सर्च करके बताएगी कि जो ना आपकी शादी। अब मैं तो भूल गई कि आपने मुझे क्या डेट बताई, मेरा तो जहन ही इतना जो ना तेज है। 80 का दूसरा महीना 16 तारीख जुमे का। अच्छा दूसरी शादी वो याद नहीं? याद मैंने डेट नहीं देखी थी, भी क्या डेट नहीं देखी, तारीख दिन वो उसमें पार्थ में है, पार्थ में है। और अम्मी वाली आपको याद थी के? वो याद, पहली शादी आपको याद है? मतलब याद है, इतना अरसा गुजर गया, ये तो अभी हुई है। बस वो उस वक्त दिमाग सही था ना, काम करता था। अब आपका दिमाग? मैं मोटरसाइकिल लिया था मैंने 1980 में। हाँ 1100 जो जापान संभल था, यहाँ का नहीं थी। अच्छा जापान का से थी, जापान से यामा था, यामा था 100 सीसी यामा 1100 600 का। मैं इसे खालों से छलांग लगा देता था, कलच छोड़ पा ये तो अभी किसी चेन टूट जाएगी। अभी अबू आप बच्चों को कहते हैं? नहीं बोलते ही ना, मैं तो ही जाता था तेरी माँ के साथ, चले सामने जाते थे ना। सही, छोटे छोटे जो खाले होते थे वो गहरे बहुत होते थे, बस पीछे भगा के कलच पकड़ा जो छोड़ा वो पार चला जाता ऐसा बात है। बात चला के बना कर उसकी कबर टूट गई थी। किसकी? वो मोटरसाइकिल। अबू जब मुझे घुमाने लेके जाते थे वो तो बताए। बस वो तो अभी कोई बात ही नहीं, चलना सीखा आपने तब। मैं जब बाहर जाता था ये भाग के आती थी, वो कपड़े मेरे काटन के होते थे, मैं कहता था माँ को इसको पकड़ो पकड़ो मेरे कपड़े खराब कर, और तू मैं कहती मुझे झूला करो, मैं कहता था आगे बिठा दे मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। और अबू की ना शुरू से आते थे व्हाइट कपड़े पहने के, और काटन की, हम लोग देहात में होते थे, अबू के कपड़े जो ना अम्मी एकदम रेडी रखती थी हमेशा, हाथ वाली इस्त्री होती थी कोयले वाले, मुझे अभी भी याद है, अम्मी मेरी ना अबू के सूट रेडी करके रखती थी, जब भी अबू कहीं जाते फौरन से जो ना सूट रेडी होते अबू के। बुझे हुए थे ऐसे लग रहा था, आपका है भी कोई नहीं, ऐसे मुझे डरा दिया रात को।
अभी सब साथ में ना इसलिए। और सलमान को मैंने कहा अबू की काफी ज्यादा तबीयत खराब है, तो इन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाए। मैंने कहा जैसे मैं घर पहुंचा मुझे इतनी हालत खराब, पसीना इतना हद से ज्यादा, रात इतनी देर हो गई थी, नहीं तो मेरा दिल किया कि मैं जाऊं। कुछ नहीं, गर्मी दो तीन दिन से बहुत पड़ रही है, कोई काम नहीं कर रहे ना कूलर ना कुछ, बस ऐसी। मैं खुद कल पांच बार ना आया तो वो दरवाजे में आ गए, तो अभी क्या क्या मेहमान जो आए थे कम्युनिटी में, उन्होंने अबू लगा के गए और कम्युनिटी में कमेंट भी वही करके गए, तो लोग गालियां हमें दे रहे हैं कि भाई आप लोगों ने कम्युनिटी लगाया। मैं तो अपने घर थी, वो आपके पास आए थे ना, हमारे वो चाचू हैं तो अबू के दोस्त भी है और गांव में पास पास घर है, शाम को आए थे मगरिब को आसिफ और वो। ठीक है अबू, अल्लाह हाफिज, हम चलते हैं। ये बोतल दे दे, मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ। हाँ इसी में ज्यादा ठंडा डाल। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अभी हम घर पहुँच गए हैं। हादी नानी के घर से क्या खा के आयो बताओ? पिज्जा। नानी के घर से पिज्जा खा के आयो? ए झूठा ना हो तो झूठा झूठा, क्या खाया बता? ओटी। ओटी किसके साथ? किस चीज के साथ खाई है? आम के साथ। आम के साथ खाई? झूठ बोलते है गड्डू। गड्डू कहेगा झूठ बोल रहे। और ये पता नहीं बाजी को क्या हो गया, कब से सीमा हैदर, सीमा हैदर लगी हुई है, ये देख रही है कि सीमा हैदर गई है तो अब उसका क्या होगा। भई आज मेरी एक फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया है खाने पे, तो यहाँ पे बाजी जो है ना जिद कर रही है, कह रही है नहीं मैंने साथ जाना या मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। अब मैं क्या करूँ आप बताएं मुझे। और ये भी आ गई है, बाजी मैं जा रही हूँ, आप घर रहे हैं, ये सीमा हैदर को देखे आपके लिए ये बहुत जरूरी है। सीमा हैदर की स्टोरी को आप देखे कवर करो। मैं तो कितने दिनों से देख रही हूँ इसको, देखो मेरा नहीं, मैं चलूंगी तो तुम्हारे साथ। अब मैं अपनी दोस्त के पास जा रही हूँ, वो आपको जानती भी नहीं है, आप क्या करेंगे? मैं तो जानती है ना, तुम बता देना मेरी बड़ी बहन है। अच्छा नहीं लगता, क्या बोलेंगे? हमने इनको बुलाया नहीं, नहीं जाओ इधर, हमें अपने घर में चौके तुम्हारा घर देखते रहेंगे हम। यार मैं वो दो दिन से सैड थी ना बहुत, मैंने व्लॉग छोड़ दिया तो सारी सारी मेरी दोस्त परेशान हो गई हैं कि क्यों व्लॉग छोड़ दिया, क्या हो गया। जैसे कि तुम परेशान हो व्लॉगिंग छोड़ दी है, रो रही थी चलो उदास थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास हूँ, चलो दिल बहल जाएगा कुछ देर के लिए। अब तुम मुझे छोड़ के दोस्तों के पास जा रही, तो आपको भी दिल बहलाना है दोस्तों के साथ जा कैसे? नहीं मेरे, मैंने तो दोस्त बनाई ही नहीं। चले फिर चलते हैं, साथ चलते हैं, मेरी तो अपनी बच्चियां हैं घर में। हाँ चले चलते हैं उनके साथ, मेरा टाइम पास अच्छा। और ये मेरे बच्चे आ गए, बच्चा ये थोड़ा सा देखो। हाँ ये मेरे बच्चे बस मोबाइल देखेंगे और कोई काम नहीं इनको। चले जी अभी मैं और बाजी जा रहे हैं मेरी फ्रेंड की दावत पे, नकाब करो जल्दी। मेरी वीडियो नहीं बनाना। ओ बढ़िया आ गई व्लॉगर, इसकी वीडियो ना बनाए व्लॉगर की। हाँ यहाँ पे हम रेडी हो गए, बनाऊंगी वीडियो, क्या करोगे भाई आजकल ये सब में आ गया, हमारी वीडियो ना बनाओ। बाजी लगता है आपको अपने पैसों से प्यार नहीं है, पर्स इधर ही भूल गई है। तो अभी हम पहुँच गए मेरी फ्रेंड के घर, ये देखें अभी मैं पहुँची और फौरन खाना लगा दिया, मैं सिर्फ मिलने के लिए आई थी उनको, थोड़ा टाइम स्पेंड करके जाऊंगी। तो अभी मैं और बाजी खाना खाने लगे हैं, अभी ये आ रही हैं बाजी, और इनका रास्ता ही इतना मुश्किल है कि खो जाते हैं हम लोग। अभी बाजी यहाँ पे आई हैं, मैं इधर हूँ, सलमान भाई उधर हैं, तो ये हम पहुँच गए हैं सलमान के पास। तो यहाँ पे अभी अब्बू आ चुके हैं, तो फिर चलते हैं घर। अबू रोटी तो आप मेरे घर खाएंगे आज? नहीं मैं कीमा बनवा रही हूँ आपके लिए स्पेशल। और फाइनली आज जो है ना मैं अबू को कहा, इतनी जिद की है कि अबू चले मेरे घर, अब खाना खाएं, थोड़ा रेस्ट करें और फिर घर जाइएगा। हर बार जो है ना अबू कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं, लेकिन आज अबू को लेके जाएंगे। अबू आप नहीं जाएंगे ना, हम सब इसी गाड़ी में बैठ जाएंगे इधर ही, ये गाड़ी कहीं नहीं लेगी यहाँ से। अंदर आ चुके हैं। अच्छा ठीक है,
अब यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं बने, फिर खाने लगाएंगे। तेज नीला रंग है सो ये ज्यादा समझ करी योग बीमार है ना ये कढे से मत पता लगा मैं सब दूसरी है बेटे मैं हूं काटन दी पीछे नहीं आज ये पीछे मैं ये बैठ के मसला है वो चलो मैं ये कलर का ना दिखा ना एक ये कलर का है यहाँ पे जो है ना मैं चाय बना रही हूँ और अबू को जो है ना बच्चों की मामा भी गई हैं मिलने के लिए तो यहाँ पे जो है ना अर्जेंट रस मंगवाए हैं भाई लेके आ गए तो यहाँ पे जो है ना मैंने चाय रस भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह हिना आपने चाय पीनी है आपने चाय पीनी है थोड़ी सी पीनी है अच्छा आपकी मम्मा आ रही हैं अभी बोतल लो मैंने बोतल लो चाहो तो सही है हाँ ग्लूकोज लो चाहो जाने लगे रख रख इधर दो इधर इधर दो इधर दो मेरा घी दो मुझे मेरा घी दो मुझे तो अभी सब गाड़ी में बैठते हैं बस मैंने बैठना है चावल वाली है चलो ये राइस वाली फसल है चलो मैं अभी इधर से ही चली जाऊंगी अबू टाइम बहुत ज्यादा हो गया चलो हाँ दो अल्लाह हाफिज मैं जा रही हूँ बाय बाय तो यहाँ से बाजी जो है ना अबू का हाथ पकड़ के लेके जा रही हैं और टाइम बहुत ज्यादा हो गया अच्छा अच्छा इनके दरवाजे ही नहीं खुल रहे हमें प्यास लगी है इनका दरवाजा ही नहीं खुल रहा बच्चे बेचारे थक गए अब चलो भी मुझे तो पानी पिलाओ मैं जाऊं कहते हैं पानी पी के जाएं तो यहाँ पर जो है ना नींबू और वो वाला शरबत बनाया भाई ने और यहाँ पे भाई हिना को कह रहे हैं कि सारे पंखे उसकी साइड पे कर दिए ब्लड दे के आई है क्या खून दे के नहीं आई भाई उसको पता है फूफो की तबीयत ठीक नहीं है इसको फूफो से बहुत प्यार है चलो ठीक है अल्लाह हाफिज बाय बाय हादू चलो मैं अब जा रही हूँ टाइम बहुत हो गया यहाँ पे ये देखें 5:30 हो गए और 6 बजे अंधेरा होना शुरू हो जाता है 6:30 बजे और यहाँ पे ही ना मुझे छोड़ने आ रही है तो चलते हैं हम भाई बहुत आज मैं थक गई हूँ थोड़ा जाके रेस्ट करती हूँ चलें जी स्टार्ट करते हैं ड्राइव और चलते हैं फिर चलें जी आज का मेरा व्लॉग इतना ही और व्लॉग जो है ना
मैंने बीच में ब्लॉगिंग छोड़ी, उसके बाद फिर सबके मैसेज आए, फिर भाई ने सब फ्रेंड्स जो है ना इकट्ठी हो गई, तो बहुत सारा जो है ना बीच में बातें हुई थी। और मेरे जो व्लॉग है ना वो 3-4 जो पहले के बने हुए थे, लेकिन मैंने सोच लिया था मैं नहीं डालूँगी। और 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत तबीयत डाउन जा रही है, बहुत डाउन जा रही है। आज तकरीबन ना मैं रात को भी 9 बजे सोई हूँ, और फिर सुबह उठ के हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, उनको नाश्ता दे के रवाना किया है, फिर सो गई हूँ। फिर मैं उठी हूँ शाम को 5 बजे। इतनी कोई शदीद किस्म की मेरी हालत ख़राब हुई पड़ी है ना, बस अल्लाह करम करे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। और बस आप सब दुआ कीजिएगा कि सब ठीक हो जाए जल्दी जल्दी, और बस जो बाकी होगा फिर इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बाकी अल्लाह पाक आप सबको खुश आबाद रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।